हमेशा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक जरोखा का पाठ 5 खराब ना होने दे का पेज नंबर 31 करेंगे। तो पेज नंबर 31 करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि आज इस पाठ में हमने क्या क्या किया है। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। पेज नंबर 31। पता करो, खाने की कुछ चीज़ों को हम रोज़ाना क्यों लाना पड़ता है। खाने की कुछ चीज़ों को हमें रोज़ाना क्यों लाना पड़ता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है खाने की जिनको हम साल में एक बार लेके आते हैं, इकट्ठा लेके आते हैं, और वो पूरी साल हमारे काम आती है। फिर अगले साल फिर हम इकट्ठा ले लेते हैं। जैसे अनाज, जैसे गेहूँ है, वो हम एक बार लेते हैं और पूरे साल उसे खाना बनाकर खाते हैं, रोटियां बनाकर खाते हैं। परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो महीने में एक बार लेके आते हैं, जैसे हम रसोई का राशन होता है, वो हम इकट्ठा महीने में लेकर आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक हफ्ते में लेके आते हैं, है ना, जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो 2-3 दिन में एक बार हम लेके आते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको रोज़ाना लेकर आना पड़ता है, जैसे दूध। दूध हमें रोज़ाना लेके आना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इकट्ठा लेके आएंगे तो दूध एक दिन के बाद ख़राब होने लगता है। अगर उसको हम फ्रिज में रखें तो अलग बात है, अगर हम फ्रिज में नहीं रखेंगे तो एक दिन के बाद वो ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा जब उसको हम गर्म करेंगे। तो हमें क्यों लाना पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ज़्यादा देर तक नहीं रहती, वो ख़राब होने लगती है, इसलिए हमें रोज़ाना उनको ताज़ा लेकर आना पड़ता है। अगर उनको हम ज़्यादा ले आएंगे, अगर एक दिन में वो ख़त्म नहीं हुई तो वो अगले दिन ख़राब होनी शुरू हो जाती है, इसलिए हम उन चीज़ों को रोज़ाना लेकर आते हैं। मोहन पड़ा बीमार, क्या दिया हो इसमें, मोहन पड़ा बीमार। तो देखते हैं हम कैसे बीमार पड़ा। एक दिन मोहन हलवाई की दुकान से बर्फी लाया। क्या लेके आया, एक दिन मोहन हलवाई की दुकान से बर्फी लाया। बर्फी खाने के कुछ घंटों बाद उसके पेट में दर्द हुआ और उल्टियां लग गई। जब उसने बर्फी खाई तो उसके कुछ देर बाद उसको क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ और उल्टियां लग गई। उसके पिताजी उसे डॉक्टर के पास ले गए। तो आप भी, जैसे आपको कोई तकलीफ होती है तो आपके पापा आपको भी कहाँ लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो जो मोहन था उसके पिताजी भी उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि कोई ख़राब चीज़ खाने से मोहन बीमार हुआ है। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जांच की और डॉक्टर ने क्या कहा कि कोई ऐसी ख़राब चीज़ खाई है जिसके कारण क्या हुआ है, उसके पेट में दर्द और उल्टियाँ हुई है। तो देखिए इधर में दिया है, यह भी जानो कि कोई व्यक्ति बीमार क्यों होता है। तो उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, भोजन सूक्ष्म जीवों, जीवाणु व फफूंदी। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जीवाणु व फफूंदी, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम मशीन, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी, उसके द्वारा ही देख सकते हैं, उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। भोजन सूक्ष्म जीवों और कीड़े मकोड़ों के कारण खराब हो जाता है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हवा के अंदर तैरते रहते हैं, जिनमें जीवाणु है, फफूंदी है। तो जब ये भोजन के संपर्क में आते हैं और भोजन अगर बासी होता है तो वो जल्दी खराब हो जाता है, और किसके कारण, कीड़े मकोड़ों के कारण खराब हो जाता है। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना पड़ता है। तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कैसे रुकती है, उसे एक निश्चित तापमान से कम रखते हैं तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इसीलिए हम अपने दूध को या जितने तरल पदार्थ होते हैं, फल फ्रूट होते हैं, उनको हम
फ्रीज के अंदर रखते हैं, क्योंकि फ्रीज के अंदर क्या होता है, ठंड होती है, वहाँ का जो तापमान होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है, और इतने ठंडे तापमान में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते, वो ठंड के कारण मर जाते हैं, और हमारा जो खाना होता है, दूध होता है या फल होते हैं, वो खराब नहीं होते। भोजन की नमी सुखाकर, वायु से संपर्क हटाकर व अन्य परिरक्षक पदार्थों जैसे तेल, चीनी, नमक, मसाले आदि के प्रयोग से ऐसा किया जाता है। तो हम कोई भी चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, जैसे हम फ्रिज में रखते हैं, उससे अलग वायु से संपर्क हटाकर, कोई भी चीज़ है उसको वायु के संपर्क में नहीं आने देते, और भोजन की नमी सुखाकर, कि भोजन को बिल्कुल सुखाकर भी उसको हम खराब होने से बचाते हैं। जैसे कई चीज़ें होती है जो काट के हम सुखा देते हैं, सब्जियां होती हैं जिनको हम काट के धूप में सुखा देते हैं, और सूखने के बाद उनको हम अंदर रखते हैं, तो वो पूरे साल भर तक वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो नमी होती है, नमी के अंदर क्या होता है, जो कीटाणु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो वृद्धि करते हैं, परंतु उसके अंदर नमी नहीं है, इसलिए वो वृद्धि नहीं कर पाते, इसलिए वो खराब नहीं होते। अन्य परिरक्षक पदार्थों जैसे तेल, चीनी, नमक, मसाले आदि के प्रयोग से ऐसे किया जाता है। तो तेल में कोई भी चीज़ डुबो के रख दो, वो भी जल्दी ख़राब नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा अचार के अंदर हम तेल डालते हैं, इसलिए तेल डालते हैं क्योंकि तेल सूक्ष्म जीवों को मार देता है, तेल की परत चढ़ाने के बाद सूक्ष्म जीव है वो उस पदार्थ तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो पदार्थ खराब नहीं होता। या चीनी या नमक, अब देखा होगा कई चीज़ों के ऊपर हम नमक लगा के छोड़ते हैं, वो भी खराब नहीं होते। अब नीचे हमें कुछ दिया हुआ है कि सोचो और लिखो, तुम्हें कैसे पता लगाओगे कि बर्फ़ी ठीक है या ख़राब। मान लो आप किसी दुकान पे कोई बर्फ़ी लेने जाते हैं या कोई और मिठाई लेने जाते हैं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो ठीक है या ख़राब है। तो इसको हम सूंघ कर पता कर सकते हैं, अगर उसके अंदर सूंघने में अगर हमें किसी प्रकार की कोई स्मेल आ रही है तो इसका मतलब वो ख़राब है। दूसरा क्या है, चक्कर, उसका थोड़ा सा हिस्सा हम चक्कर खाएंगे कि उसके अगर स्वाद में तब्दीली है, उसका स्वाद अलग है, तो वो ख़राब है। उसको देखकर भी पता चलता है, कई बार देखने से उसके ऊपर फफूंदी नुमा हरे हरी परत चढ़ी होती है, उससे भी पता चलता है कि वो चीज़ ख़राब है। क्या खाने की सभी चीज़ें फफूंदी के कारण ख़राब होती है, यदि नहीं तो ख़राब होने के और कौन कौन से कारण है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि रोटी के ऊपर हरा हरा कुछ आधा वो क्या था, वो फफूंदी थी। तो क्या सभी चीज़ें फफूंदी के कारण ख़राब होती है, यदि नहीं तो ख़राब होने के और कौन कौन से कारण है। तो सभी चीज़ें केवल फफूंदी से ख़राब नहीं होती, दूसरी चीज़ें होती है वो कीटाणु से, वो विषाणु से या अन्य कारणों से भी ख़राब हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें फफूंदी के कारण ख़राब नहीं होती, कुछ चीज़ें कीटाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं उनके कारण भी ख़राब हो जाती है। पता करो और लिखो, क्या पता करना है हमें, अपने माता पिता से पूछो कि वे निम्नलिखित चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं। जैसे दूध है, दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, हम उबालते हैं, और क्या करते हैं, फ्रीज में रखते हैं, है ना। उबाल के भी हम बचाते हैं, फ्रीज में रख कर भी हम बचाते हैं। उसके बाद अनाज को हम क्या करते हैं ख़राब ना हो, उसके लिए उसमें दवाई रखते हैं। आपने देखा होगा ना, आपके घर में टंकी में रख कर उसमें दवाई डाल के छोड़ देते हैं, दवाई रख कर और टंकी में डालकर हम ख़राब होने से बचाते हैं। अगर ये बोरी के अंदर रहेगी तो बोरी में क्या होगी, सीलन होगी और अनाज ख़राब हो जाएगा। रोटी को ख़राब होने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ढककर रखते हैं,
ना, रोटी जब बनती है उसको क्या करते हैं हम, जो हमारा रोटी के रखने का जो कटोरा होता है उसको, उसमें रोटी रखते हैं और उसको फिर ढककर रखते हैं ताकि उस पर कोई मक्खी मच्छर ना बैठे। उसके कारण क्या होता है, खाना खराब हो जाता है। तो रोटी को हम ढककर रखते हैं। सब्जी, सब्जी को कैसे खराब होने से बचाते हैं, उसको हम फ्रिज में रखते हैं। रखते हैं ना सब्जी जब ठंडी हो जाती है, और उसको भी हम क्या करते हैं, ढककर रखते हैं। तो बच्चों आज हमने किया पेज नंबर 31, आज बस इतना ही करेंगे। जितना किया है इसको आप दोबारा सुनना, दोबारा देखना और अच्छी तरह विचार करना कि आप और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको खराब होने से बचाने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय।